वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके रिफाइन। क्लास 4 का इंग्लिश सनशाइन टेस्ट बुक के अंतर्गत आज पढ़ेंगे यूनिट 6 का आपका पोयम है, और पोयम का नाम है प्लेइंग इन ए लेन। है ना, बहुत इंटरेस्टिंग पोयम है, बहुत अच्छी कविता है, और जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपका बचपना याद हो जाएगा। देखिए, हम बचपन में किस तरह से खेलते हैं और बचपन में किस तरह से खेलते थे, जो बच्चे अभी हैं वो खेल रहे हैं और हम लोग भी बच्चे से बड़े हुए हैं और हम लोग भी इस खेल को याद कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, इसको देखिए, ये क्या ईंटा है, और ईंटा जो है वो विकेट का काम कर रहा है। विकेट, क्रिकेट में 3 विकेट होता है ना, तो 3 विकेट के जगह पर क्या लगा हुआ है, ये ईंटा लगा हुआ है, और गलियों में खेल खेला जा रहा है, और हाथ में क्या है, बल्ला है, बैट है, है ना। और देखिए, ये सब बच्चे जो है सिर्फ फील्डिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, और गांव का खेल है, गांव के गलियों का खेल है। देखिए गांव, ये गांव है ना, गांव का ये सीन है, ग्रामीण इलाका है, और गांव में एक पेड़ भी है, और इस पेड़ में देखिए फल लगे हैं, नहीं लगे हैं। चलिए और पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। तो प्लेइंग इन ए लेन, लेन मीन्स क्या होता है, गली, लेन मीन्स होता है गली, लेन मीन्स गली। ये डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो क्या आप जानते हैं, विच गेम आर प्लेड इन लेन, कौन सा खेल गली में खेला जाता है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा खेल गली में खेला जाता है। तो आप बताइए, ग्रामीण इलाके से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो गलियों में आप जरूर खेलते होंगे, है ना, गलियों में जरूर खेले होंगे। छोटी सी संकरी गली, बड़ी मुश्किल से 10-12 फीट की चौड़ाई वाली गली, है ना, तो वहाँ पर हम लोग क्या खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं। डू यू प्ले डिफरेंट गेम्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन मीन्स हाँ होता है ऋतु, सीजन मीन्स क्या होता है, ऋतु, मौसम, जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात, 3 इम्पोर्टेंट ऋतुएं हैं। तो कह रहा है, क्या आप मौसम के अनुसार अलग अलग खेल खेलते हैं, तो हाँ मौसम के अनुसार खेल खेला जाता है। ऐसे देखेंगे बरसात आएगा तो बरसात में लोग फुटबॉल खेलते हैं, है ना, और जैसे जैसे मौसम चेंज होगा वैसे वैसे खेल भी परिवर्तन होता है, ठीक है। अभी क्रिकेट का बहुत बोलबाला हो गया है, विश्व के विभिन्न देश क्रिकेट खेलते हैं, उसको टीवी पर प्रसारित किया जाता है, जिसे हम देखकर भी क्रिकेट के दीवाने हो जाते हैं। चलिए, रीड एंड एंजॉय, पढ़े और आनंद ले। ऑन दिस संडे विथ माई फ्रेंड्स प्लेइंग क्रिकेट इन ए लेन, ऑन दिस संडे का मतलब हुआ इस रविवार, अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने दोस्तों के साथ इस रविवार को प्लेइंग क्रिकेट इन ए लेन, गली में क्रिकेट खेलते हैं। इस रविवार को अपने दोस्तों के बीच गली में क्रिकेट खेलते हैं, है ना, प्लेइंग क्रिकेट इन ए लेन, 2K bat and tennis ball with my friends short and tall। देखिए, हम लोग खेलने के लिए क्या क्या सामग्री लिए हैं, हम लोग खेलने के लिए सामग्री लिए हैं, बैट लिए हैं, बैट, बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला, और टेनिस बॉल लिए हैं, विथ माय फ्रेंड्स, और मेरा जो दोस्त है, मेरा जो मित्र है वो शॉर्ट्स और टॉल है, मतलब नाटे भी हैं और लंबे भी हैं, है ना, दोस्त कैसे हैं, नाटे भी और लंबे भी, मतलब लंबे भी हैं और नाटे भी हैं। बॉल्ड इट स्लो एंड बॉल्ड इट फास्ट, देखिए बॉल्ड मतलब जो बॉलिंग किया जाता है वो क्या है,
जो फेंका जा रहा है बॉल वो स्लो फेंका जा रहा है और फास्ट भी फेंका जा रहा है। क्रिकेट आप देखते हैं टीवी में तो देखते हैं, जो बॉलर होता है कोई फास्टर बॉलर होता है, कोई स्लोअर बॉलर होता है, तो कोई धीरे फेंकता है, कोई फास्ट फेंकता है। जो फास्ट फेंकता है वह दूर से दौड़ते दौड़ते आता है और लाइन के अंदर से ही वह बॉल को फेंकता है। क्रिकेट में बॉलर जो होते हैं फास्टर बॉलर भी होता है और स्लोअर बॉलर भी होता है, समझ गए। टू द प्लेयर्स आउट एट लास्ट, है ना। टू द प्लेयर्स, प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ियाँ, खिलाड़ियों, है ना। प्लेयर मीन्स खिलाड़ी और एस लगा दिए तो खिलाड़ियों हो गया। तो टू द प्लेयर्स आउट एट लास्ट, खिलाड़ियों को हमें क्या करना है, अंत समय तक आउट करना है। ऑन द शॉर्ट बॉल मेड फोर रन्स, और शॉर्ट बॉल पर क्या लगता है, चौका लगता है, क्या लगता है, चौका, फोर रन्स। चौका किसको बोलते हैं, ऐसे ये मान लीजिए बाउंड्री है ना, क्रिकेट बॉल खेलने का ये आपका मैदान है और ये बाउंड्री है, बाउंड्री लाइन है ये। अब यहाँ पर खेल खेला जा रहा है तो बॉल ऐसे धीरे 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 बॉल इस बाउंड्री को टच कर दिया, इसको बोलते हैं चौका। और जब बॉल ऊपर से गया और ऊपर जा के बाउंड्री लाइन से पार गिरा तो उसको बोलते हैं छक्का, समझ गए। टू हिट ए सिक्स वाज सच ए फन, और छक्का मारना कितना मजा आता है, जब छक्का लगता है, हिट होता है छक्का बॉल, तो कितना मजा आता है, बहुत मजा आता है, खुशी आ जाता है, दर्शक लोग भी ताली बजाने लगते हैं। एल बी डब्ल्यू नो एंड वाइड, है ना। एल बी डब्ल्यू क्रिकेट में एल बी डब्ल्यू होता है, नो बॉल भी होता है, वाइड बॉल भी होता है, है ना। तो नो बॉल, वाइड बॉल, एल बी डब्ल्यू, एम्पायर डिसेंडिंग इन ए साइड, और एम्पायर जो है से एक पक्ष में निर्णय ले रहा है कि एल बी डब्ल्यू है कि नो बॉल है कि वाइड बॉल है, तो डिसाइड एम्पायर करता है। किड्स वॉचिंग विथआउट टिकट, इसके पहले है ब्रिक्स यूज्ड फॉर थ्री विकेट, देखिए तीन विकेट रहता है ना, देखिए यहाँ पर तीन विकेट रहता है, तो तीन विकेट के जगह पर बच्चे क्या प्रयोग कर रहे हैं, ब्रिक्स का, ईटा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या चीज प्रयोग कर रहे हैं, ईटा का, और किड्स वॉचिंग विथआउट टिकट, और बच्चे जो हैं बिना टिकट का मैच देख रहे हैं, है ना। गली में मैच हो रहा है तो बिना टिकट का मैच देख रहे हैं सभी बच्चे, है ना। जिस पक्ष में जो बच्चे देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए ताली बजा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग ये पोएम है, आप देख लीजिए। अब आगे बताते हैं क्वेश्चन आंसर। प्रश्न यहाँ से है, रीड एंड फाइंड, पढ़िए और खोजिए, है ना। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है व्हाट इज यूज्ड एज विकेट इन द पोएम, कविता में क्या चीज का विकेट्स के रूप में प्रयोग किया गया है, तो क्या प्रयोग किया गया है, ब्रिक्स, है ना, ईटा प्रयोग किया गया है, विकेट के जगह पर ईटा का प्रयोग किया गया है। तो आंसर लिखेंगे ब्रिक्स वेयर, आंसर लिखेंगे ब्रिक्स आर यूज्ड एज विकेट्स इन द पोयम, हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखो, हु आर वॉचिंग विथआउट टिकट्स, कौन बिना टिकट के मैच देख रहा है, तो कौन देख रहे हैं, तो आपका पोयम में देखेंगे किड्स, किड्स आर वॉचिंग विथआउट टिकट्स, मुख्य जगह पर किड्स करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हाउ डू प्लेयर्स बेकम आउट इन क्रिकेट, प्लेयर्स क्रिकेट में कैसे आउट होते हैं, है ना। हाउ डू प्लेयर्स बेकम आउट इन क्रिकेट, तो आंसर हो जाएगा कि प्लेयर्स
बेकम आउट बाई रन आउट कैच और LBW। प्लेयर किस प्रकार आउट होता है क्रिकेट में? तो LBW से आउट होता है, कैच आउट से होता है, रन आउट से होता है ना। चलिए दूसरा है बी में, चूज द करेक्ट आंसर, सही जवाब को चुनना है। पहला क्वेश्चन, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इन ए प्ले ग्राउंड, खेल के मैदान में, इन ए लैन, इन द स्कूल, इन द हाउस। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। बच्चे कहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं? इन ए लैन, गली में। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हु डिसाइड्स LBW नो एंड वाइड, LBW नो एंड वाइड का डिसाइड कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? अंपायर करते हैं। पोयम में कौन कर रहे हैं? अंपायर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विथ, बच्चे खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं? फुटबॉल के साथ, बास्केटबॉल के साथ, वॉलीबॉल के साथ, कि टेनिस के साथ? तो टेनिस बॉल के साथ खेल रहे हैं। बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं? टेनिस बॉल के साथ। अब यहाँ देखिए, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, कविता में जो दिया हुआ है इसका अपोजिट लिखना है। शॉर्ट्स तो क्या होगा? लॉन्ग, स्लो, फास्ट, इन, आउट, एस, नो। कितना आसान है? तो बच्चों इस तरह से हम क्लास 4 का इंग्लिश और चैप्टर का नाम है, और चैप्टर का नाम है प्लेइंग इन ए लैन, है ना। इसका हम पोयम के साथ साथ प्रश्न का उत्तर भी बताएं।